हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आज का हमारा चैप्टर है कृषि, जो कि एनसीईआरटी का है। इससे भी आपको एक से दो प्रश्न जरूर मिलेंगे। ये कक्षा 11 के लिए है, तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। सभी को पता है कि भारत में जो जीविका का प्रमुख स्रोत है पूरे भारत वासियों का, वो है कृषि। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, कौन कृषि आगत या निविष्ट नहीं है, यानी वो उद्योग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सी वाला सही होगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा, आपका टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए आप वीडियो रोक रोक के भी देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। चूँकि जो सीमेंट है ये कृषि से इसका कोई भी संबंध नहीं है। अगला अगर हम प्रश्न पढ़ते हैं, कर्तन दहन यानी झूम खेती। झूम खेती क्या होती है? वो खेती जो आदिवासी लोग करते हैं, जहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है वो पेड़ पौधों को काट कर कृषि करते, जब वो अनुपजाऊ होती है उसे छोड़कर चले जाते हैं। पूछ रहा है ये कहाँ पर होती है, तो ये जहाँ पर आदिवासी यानी मिजोरम, यहाँ पर इसका प्रचलन ज़्यादा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की खेती की जाती है। वहाँ पर गहन जीविका कृषि की जाती है, मतलब वहाँ पर कभी खेत आपके खाली नहीं छोड़े जाते और उसमें सदैव फसलें ही ली जाती हैं। ठीक है, कभी मतलब उसमें कभी कभी एक में दो दो फसल, और साल भर जो है आपका खेत कभी खाली नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगवाई जाती है। तो इसको बोलते हैं बच्चों रोपण कृषि। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है। तो ये एक रोपण खेती है, जैसे आप धान को रोपते हो उसी प्रकार से रोपण खेती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल है। तो रोपण गन्ना है आपका, ठीक है, मूंगफली और ये चना और ये गेहूँ, ये सब बीज बोए जाते हैं और गन्ने में ये रोपे जाते हैं गन्ने को काट काट के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो देखिए रबी फसल है, सॉरी नहीं वाला नहीं है, धान है ही नहीं, गेहूँ रबी फसल का प्रमुख, रबी जो फसल है उसकी प्रमुख जो फसल है वो गेहूँ ही होती है, जिसके अंतर्गत कई फसलें मटर है, चना है, अलसी है, जौ है, सब आता है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, अगला पूछ रहा है, तो ये दालें जो हैं वो भी रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जो चूंकि उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, खरीफ फसल जैसे जौ है ये तो रबी फसल है, मटर भी और सरसों भी, ये सभी रबी फसल है, लेकिन जो बाजरा है वो आपका खरीफ की फसल है। जायद सस्य प्रारूप के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल पैदा होती है। तो जायद रवि, जायद खरीफ और रवि, तीन प्रकार की फसलें होती है। तो जो खरबूजा है ये आपका जो है जायद फसल का उदाहरण है, यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है। तो चावल जो है पंजाब में सबसे अधिक पैदा किया जाता है, तो ये व्यावसायिक फसल के रूप में वहाँ आता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो ज्वार जो है ये मोटे अनाजों में इसकी गिनती की जाती है। अगला है, किस वस्तु का निर्माण भारत में नहीं होता। काफ़ी है, तंबाकू, उर्वरक या फिर चाय। तो भारत जो है सदैव उर्वरक बाहर से ही मंगाता है, तो यहाँ पर उर्वरक जो है वो आपके यहाँ निर्माण नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ निम्न में किस फसल को उपभोक्ता भी, यानी सबसे अधिक उसका उपयोग भी करता है। तो ये है आपका दलहन फसल है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करती है। तो जो भी दाल वाली फसलें हैं वो सभी, तो मसूर यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, मसूर है, चना है, मटर है, सभी जो है नाइट्रोजन ग्रहण करती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक भी है। तो चाय जो है भारत में बहुत पैदा होती है, भारत जो इसका अग्रणी राज्य भी है और इसका ये जो है निर्यातक भी है, यानी बाहर इसको भेजता भी है।
चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो चाय की मिट्टी के लिए वैसे तो यहाँ पर देखिए पर्वतीय मिट्टी लिखा गया है, तो ये पर्वतीय मिट्टी जो है उसके लिए सही रहती है। अगला आपके पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है USA, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सर्वाधिक रबर कहाँ पैदा होता है? तो रबर जो है केरल में बच्चों पैदा होता है, जरूर याद रखिए, और ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका, तो आप इसको एक बार रट लीजिएगा, या नहीं रटे हैं तो आप इसको याद जरूर रखिएगा। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े का पालना क्या कहलाता है? तो ये सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है, सेरीकल्चर, ठीक है। आगे आपका देखता हूँ, निम्न में कौन सी रेशेदार फसल है? तो रेशेदार कपास में भी रेशा होता है, जूट में भी, प्राकृतिक जो रेशम होता है उसमें भी रेशा होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सुनहरा रेशा गेहूं, चावल, मूंगफली या जूट, किसी को नहीं, इसमें से जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन आप लोग डी लगाइएगा, और आप जूट जानते होंगे जिससे रस्सी वगैरह बनती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट, कॉफी, जौ, रबर। तो चूंकि यहाँ पर अभी जो आप देख चुके थे जूट, तो ऑप्शन ए वाला ही यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य, यानी सबसे अधिक जूट कहाँ पैदा होता है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल या फिर राजस्थान। और जूट के उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल अग्रणी है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है बच्चों ये कृषि उत्पाद से, पशुपालन से, कृषि उत्पादन वृद्धि में या कृषि उत्पाद व्यापार से, तो यह कृषि उत्पादन से। इसको आप लोगों को याद रखना है कि कृषि उत्पादन जो है वो हरित क्रांति के अंतर्गत आता है, और इसमें कई चीजें हैं, जैसे ऑपरेशन फ्लड आ जाए तो दूध के लिए है, श्वेत क्रांति पूछे वो भी दूध के लिए है, तो कुल मिला के हरित क्रांति पूछे वो कृषि उत्पादन के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, यह है दुग्ध उत्पादन से, इसको याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो जो कपास होती है उसमें काली मिट्टी, कपास का से याद रखेंगे तो काली याद हो जाएगा, तो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखे ये 30 प्रश्न थे, ये 30 प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको हमने NCERT से लिया है। इससे आपको एक से दो प्रश्न जरूर मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हूँ तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, हम आप लोगों को अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर पहुँचा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।